जनतंत्र टीवी की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जनतंत्र टीवी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ग्राउंड जीरो से आपको दिखाया था कि कैसे दिल्ली के घिटौनी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए फार्म हाउस और उनके अंदर गलत तरीके से फैक्ट्रियां चल रही हैं। अब जिला प्रशासन जनतंत्र टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद फैक्ट्रियों पर लगाम लगाने जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के घिटौनी इलाके की, क्योंकि यहां पर वेयर हाउस में देश आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की 18 गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। जनतंत्र टीवी की खबर का फिर बड़ा असर। अब की बार अवैध निर्माण और कारोबार पर जनतंत्र टीवी की महा कवरेज आई काम। घिटौनी में तेल के ड्रम वाले एक गोदाम में आग लग गई है। अवैध निर्माण पर चलेगा प्रशासन का डंडा। अवैध फैक्ट्रियां होंगी सीज। जनतंत्र टीवी के कैमरे पर बोले जिला अधिकारी, ये सारी इलीगल है। अवैध निर्माण और कारोबार अब बर्दाश्त नहीं। घिटौनी में बिना परमिशन के फार्म हाउस। देश की राजधानी दिल्ली के घिटौनी इलाके के एक फार्म हाउस में लगी आग की खबर को जनतंत्र टीवी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रमुखता से दिखाया था। ये वेयर हाउस बने हैं जिसमें एमसीडी या फिर डीडीए हो, यहाँ पर नियमों को ताक पर रखा गया है और निर्माण हुआ है। जनतंत्र टीवी के संवाददाता अमित चौधरी ने मौका वारदात से पूरी खबर की जानकारी दी थी और बताया था कि कैसे इस इलाके में अवैध निर्माण और कारोबार चल रहा है। जनतंत्र टीवी के एक और संवाददाता प्रियवत त्रिपाठी घिटौरनी के इस इलाके में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपनी बारीक पड़ताल के बाद जो जानकारी दी वो होश उड़ाने वाली थी। प्रियव्रत ने बताया था कि पूरे इलाके में अवैध निर्माण के साथ साथ गलत तरीके से फैक्ट्रियां, फार्म हाउस के अंदर गैर कानूनी तरीके से गोदाम और वेयर हाउस चल रहे हैं। प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर अवैध कारोबार भी हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए फार्म हाउस और उनके अंदर गैर कानूनी तरह से चल रहे गोदाम, अवैध कारोबार, अवैध निर्माण और अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ अब जनतंत्र टीवी की ये मुहिम काम आई है। जनतंत्र टीवी पहले भी जनतंत्र टीवी के कैमरे पर जिला अधिकारी बीएन मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि अब नहीं होगा कोई अवैध कारोबार, अवैध निर्माण, अवैध फैक्ट्रियों का संचालन। अब चलेगा प्रशासन का झंडा। देखिए, जो भी अवैध निर्माण है या मिसयूज ऑफ प्रिमाइजेज हैं, जिनको रेजिडेंशियल होना चाहिए उनका कॉमर्शियल यूज हो रहा है या इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है या पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के तौर पे यूज हो रहा है, ये सारे इलीगल हैं और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है। एमसी मेहता के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया था और इनफैक्ट दो फेज की ऑलरेडी सीलिंग पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो रेजिडेंशियल एरियाज में है उनके खिलाफ ऑलरेडी हो चुकी है कॉरपोरेशंस के द्वारा, और थर्ड फेज की जो सीलिंग है उसका सर्वे एंड सीलिंग दोनों का काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस कर रही हैं। एमसीडी साउथ के डिप्टी कमिश्नर ने भी जनतंत्र टीवी संवाददाताओं के पीठ थपथपाते हुए मामले में जांच कराने की बात कही है। इस तरीके की जो मिसयूज की एक्टिविटीज है, इस तरीके की एक्टिविटीज को टाइम टू टाइम जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो इसको रिपोर्ट करें। इसको आपने पर्टिकुलरली जैसे रेज किया है, इमीडिएटली इसमें त्वरित प्रभाव से जो वहाँ के जूनियर इंजीनियर हैं उनको डायरेक्शंस इश्यूज किए जा चुके हैं। 72 घंटे के अंदर वो एक रिटर्न रिपोर्ट उस इलाके का जो पूरा एरिया है उसको सर्वे करने के बाद हमें देंगे। फिर हमारे डीएमसी एक्ट के अंदर में अलग अलग प्रोविजन्स हैं जिसके अंदर हम इसमें इसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, उसमें हम एक्शन ले करके देन वी विल टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। जनतंत्र टीवी की मुहिम लगातार आवाम के काम आ रही है। जनतंत्र टीवी की खबर का लगातार असर हो रहा है। जन सरकार के अपने वायदे को जनतंत्र टीवी लगातार पूरा कर रहा है।
हमारा एक और वादा है इस देश से, ना कोई लाग लपेट, ना चीक पुकार। जनतंत्र टीवी करता है और करता रहेगा जन सरोकार। चलने वाली खबर एकदम सच और संपूर्ण पहुंचाना है हमारा एकमात्र लक्ष्य। पत्र लिखा गया है क्योंकि हम हैं जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज़।